नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। कांग्रेसियों ने सहारा इंडिया में जमा धन को वापस दिलाए जाने को लेकर राज्यपाल को संबोधित एसडीएम मिल्कीपुर को ज्ञापन सौंपा। मिल्कीपुर तहसील में उत्तर प्रदेश में सहारा इंडिया और पल्स इंडिया कंपनी, जो करोड़ों लोगों का पैसा एफडी व अन्य योजनाओं में जमा करवाकर भारी मुनाफे का लालच दिया। गरीब और सामान्य वर्ग के लोगों ने अपने बेहतर भविष्य और बेटी की शादी के लिए अपने खून पसीने की कमाई सहारा इंडिया और पल्स इंडिया में जमा करवाई है, जिसकी मियाद पूरी हो गई है। इसके बाद भी निवेशक साल दर साल पैसे के लिए भटक रहे हैं, उनका पैसा वापस नहीं मिल रहा है। उसी को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से तहसील मिल्कीपुर शुक्रवार को एसडीएम के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को एक ज्ञापन दिया गया और मांग की गई कि सहारा और पल्स जैसी कंपनी से गरीब का पैसा वापस दिलाया जाए। कार्यक्रम की अगुवाई बृजेश रावत ने की। उन्होंने कहा कि आज सरकार के संरक्षण में तमाम चिटफंड कंपनी अनी बुलियन, ड्रीम बुलियन और अवध जैसी तमाम चिटफंड कंपनियों ने लोगों की गाढ़ी कमाई पर डाका डालकर चली गई, लेकिन सरकार की उदासीनता के चलते उन पर कोई कार्रवाई ना हो पाई जिससे निवेशन का पैसा वापस दिलाया जा सके। ज्ञापन देने में जिला अध्यक्ष युवा कांग्रेस संजय तिवारी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य पूजन पांडे, अधिवक्ता प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष विश्वनाथ मिश्रा, अमरीश कौशल, अश्वनी कुमार, उदय कृष्णकर्मा, राजकुमार और राकेश यादव उपस्थित रहे। रिपोर्टर रवि शुक्ला, उत्तर प्रदेश, अयोध्या।